Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। चंद्रमा अगर कुंडली में बेहतर हो, जीवन में शुभ परिणाम दे रहा हो, तो जीवन की कोई भी मुश्किल आपके सामने टिक नहीं सकती। लेकिन चंद्रमा अगर जीवन में अशुभ परिणाम दे तो जीवन आसानी से आगे नहीं बढ़ सकता। कैसे लक्षणों से जाने कि चंद्रमा शुभ परिणाम दे रहा है या अशुभ फल दे रहा है, आज अपने कार्यक्रम में जानेंगे। और अगर चंद्रमा जीवन में अशुभ फल दे रहा है तो उससे बचने के उपाय क्या हैं, इसको समझेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे वास्तु टिप के बारे में और सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं पंचांग। दिनांक 25 जून 2024 दिन मंगलवार, तिथि है आषाढ़ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि, रात के 11:10 तक। नक्षत्र है श्रवण नक्षत्र, दोपहर 2:32 तक। चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय शाम के 3 से 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 25 जून 2024 दिन मंगलवार को प्रातः काल 5:30 पर ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य, बुध और शुक्र विद्यमान हैं मिथुन राशि में, केतु कन्या राशि में, चंद्रमा मकर राशि में, शनि कुंभ राशि में, राहु मीन राशि में, मंगल मेष राशि में और बृहस्पति फिलहाल संचरण कर रहे हैं वृषभ राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। हम आज बात कर रहे हैं कि आप अपने लक्षणों से कैसे जान सकते हैं कि चंद्रमा आपको शुभ फल दे रहा है या चंद्रमा आपको अशुभ फल दे रहा है। सबसे पहले जानते हैं कि चंद्रमा का महत्व क्या है। देखिए, नवग्रहों में सूर्य के बाद ज्योतिष में सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रह है चंद्रमा। ज्योतिष में चंद्रमा के बिना कोई गणना नहीं की जा सकती। आपके समय की, आपका समय अच्छा है, बुरा है, फायदा है, नुकसान है, ये सारी गणनाएं चंद्रमा से की जाती हैं। इसीलिए चंद्रमा का ज्योतिष में एक प्रमुख स्थान है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चंद्रमा गुरुत्वाकर्षण शक्ति और सारी पृथ्वी के जल तत्व को नियंत्रित करता है। मानव का मन और मानव की भावनाएं, ये दोनों चंद्रमा का ही क्षेत्र हैं।
अगर चंद्रमा को नियंत्रित कर सकें आप, अगर चंद्रमा को आप कंट्रोल कर पाए तो निश्चित रूप से अपनी मानसिक दशा को बहुत मजबूत बना सकते हैं। चंद्रमा का संबंध पेट की बीमारियां, हृदय की बीमारियां, एसिडिटी, नींद, आलस्य, मानसिक स्थिति, फूल, सुगंध, चांदी, गन्ना, माता, जलीय यात्रा और शासन प्रशासन से होता है। चंद्रमा को दूसरा राजा भी मानते हैं, यानी सूर्य के समान चंद्रमा भी एक राजसी ग्रह है, एक रॉयल प्लेनेट है। चर्चा हमारी जारी है, लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, धन की स्थिति अच्छी बनी रहेगी, मानसिक चिंता आपकी दूर होगी, दौड़ भाग आपकी बढ़ी रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृषभ राशि, करियर में सफलता मिलेगी, मानसिक चिंताएं दूर होंगी, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, काम में लापरवाही ना करें, महत्वपूर्ण निर्णय अभी मत लीजिए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कर्क राशि, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, सेहत आपकी अच्छी रहेगी, करियर की बाधा आपकी दूर होगी। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि चंद्रमा अगर आपको जीवन में अशुभ फल दे रहा हो तो क्या क्या परिणाम आपके जीवन में होते हैं। चंद्रमा अगर अशुभ फल देगा तो सांस की बीमारी, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, और शीत जन्य रोग, कोल्ड कफ की प्रॉब्लम आपको परेशान करेगी। चंद्रमा अगर अशुभ फल देगा तो आपका मन हमेशा बिना कारण के परेशान रहेगा। व्यक्ति को स्त्री पक्ष से या स्त्री को लेकर के जीवन में कष्ट बना रहता है। हार्मोन्स की समस्या और अवसाद यानी डिप्रेशन, हार्मोन्स की समस्या और डिप्रेशन की संभावना भी आपके लिए बनती है। चंद्रमा अगर अशुभ फल दे तो नींद में दिक्कत होती है, नींद नहीं आती है, व्यक्ति बार बार नींद में चौंक करके उठ जाता है। या तो व्यक्ति को माता का सुख नहीं मिलता, या व्यक्ति के संबंध अपनी माता से खराब होते हैं।
यानी मातृपक्ष को लेकर के जीवन में दिक्कतें बन जाती हैं जब चंद्रमा जीवन में अशुभ फल देता है। अब अगर चंद्रमा आपको जीवन में शुभ फल दे तो क्या परिणाम होते हैं, क्या प्रभाव होते हैं? चंद्रमा जब शुभ फल देता है तो व्यक्ति के चेहरे पर सौम्यता और करुणा होती है, उसका चेहरा सॉफ्ट होता है, करुणावान होता है, लोग उसके साथ बात करना, अपनी समस्याओं को शेयर करना चाहते हैं। चंद्रमा जब शुभ फल देता है तो व्यक्ति लोगों में काफी प्रसिद्ध होता है और महिलाओं में विशेष लोकप्रिय होता है, महिलाओं में ज्यादा पॉपुलर होता है। चंद्रमा जब शुभ फल देता है तो दूध और दूध से बनी चीजें खाना बहुत अच्छा लगता है। जिनका चंद्रमा शुभ फल देगा उन्हें दूध की चीजें, दूध से बनी चीजें खाना अच्छा लगता है। चंद्रमा जब कुंडली में शुभ परिणाम दे तो आम तौर पर आदमी गोल मटोल होता है और माता के सहयोग से या स्त्रियों के सहयोग से जीवन में काफी आगे बढ़ता है, काफी ऊंचाइयों पर जाता है। चंद्रमा जब शुभ परिणाम दे तो ऐसे लोगों को नहाने का बड़ा शौक होता है और ऐसे लोग खुशबू वाले पानी से या बहुत अच्छे साबुन से जिसमें बड़ी खुशबू आए उससे खूब नहाते हैं, ऐसा देखा गया है। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे वास्तु टिप के बारे में और सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, धन की स्थिति आपकी अच्छी बनी रहेगी, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे, काम की अधिकता रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कन्या राशि, धन की स्थिति अच्छी रहेगी, करियर की समस्या आपकी हल होगी, लाभकारी यात्रा इस समय हो सकती है। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। तुला राशि, वाद विवाद से बचाव करें, संतान की चिंता हो सकती है, धन खर्च बढ़ा हुआ रहेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कुछ हद तक कम हो जाएंगी। वृश्चिक राशि, करियर में स्थिरता आएगी, धन का लाभ होगा, पारिवारिक समस्याएं दूर होंगी। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब लक्षणों से अगर आपको ये बात समझ में आ गई कि चंद्रमा आपको अशुभ परिणाम दे रहा है, चंद्रमा आपको निगेटिव फल दे रहा है, तो क्या उपाय करेंगे? भगवान शिव को नियमित रूप से जल अर्पित करिए, सादा जल, प्लेन वाटर। सोमवार को केवल जल और फल का सेवन करके उपवास रखेंगे।
एक चांदी की चेन अपने गले में पहन लें या चांदी का एक कड़ा अपनी कलाई में धारण करें। काले रंग के वस्त्रों से और बहुत ज्यादा तीखी चीजों से परहेज करेंगे। रात के समय में आसमान के नीचे या अपनी बालकनी में बैठ के जहां से आकाश दिखाई दे चंद्रमा के मंत्रों का जप करेंगे। अगर आप ये उपाय करते हैं तो चंद्र संबंधी समस्याएं आपकी दूर होंगी और चंद्रमा आपको जीवन में शुभ परिणाम प्रदान करेगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में, लेकिन अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, करियर में आपको सफलता मिलेगी, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मकर राशि, स्वास्थ्य आपका बेहतर होता जाएगा, करियर में आपको सफलता मिलेगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कुंभ राशि, व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, महत्वपूर्ण काम अभी टाल दीजिए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मीन राशि, संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं, जिम्मेदारियां आपकी बढ़ेंगी और करियर में आपको मनचाही सफलता मिलेगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। ये तो रहा 12 राशि के लोगों के लिए उनका दैनिक राशि फल। अब जान लेते हैं आपके जीवन और आपके घर के लिए वास्तु टिप। अगर आपको ऑफिस में काम करने के बावजूद मान सम्मान, नाम और यश नहीं मिलता है तो काम के स्थान पर अपनी डेस्क पर, अपनी मेज पर उगते हुए सूर्य का चित्र लगाइए, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। अब जान लेते हैं दिनांक 25 जून 2024 दिन मंगलवार का सक्सेस मंत्र क्या है। दिनांक 25 जून दिन मंगलवार को प्रातः काल एक बार हनुमान चालीसा पढ़ लीजिएगा और इसके बाद हनुमान जी से कृपा करने की प्रार्थना करिएगा। अगर आप सुबह के समय में या दिन के समय में ऐसा कर लेते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत।